हेलो एवरीवन, वेलकम टू विज्ञान श्रोतालय एंड आई एम योर एजुकेटर एंड मेंटर शिवानी मैम। सो आज मैं फिर से एक नए सेशन का वीडियो लेक्चर आपके सामने लेके आ गई हूँ और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है डायबिटीज़ पे। डायबिटीज़ जिसको हम जनरली शुगर और शक्कर की बीमारी कहते हैं, उस डायबिटीज़ के बारे में आज हम जानने वाले हैं। हम जानने वाले हैं कि साइंस की लैंग्वेज में, विज्ञान की भाषा में डायबिटीज़ क्या होता है और ये डायबिटीज़ क्यों होता है। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि डायबिटीज़ में टाइप्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के डायबिटीज़ होते हैं और आप किस टाइप्स के डायबिटीज़ में आते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं डायबिटीज़ से। बहुत कॉमन बीमारी हो चुकी है डायबिटीज़, और आज के टाइम पे डायबिटीज़ एक तरीके से कह सकते हैं कि हर घर में किसी न किसी को डायबिटीज़ की इशू होती है, शुगर की बीमारी, शक्कर की बीमारी होती है। और ये एक कॉमन बीमारी है जो कि एक बहुत टेंशन लेके भी आती है, क्योंकि इस बीमारी में आपकी बॉडी के कई सारे ऑर्गन्स भी प्रभावित होते हैं। तो डायबिटीज़ के बारे में अगर हम एज अ साइंटिफिक लैंग्वेज में बात करें, विज्ञान की भाषा में बात करें कि ये शुगर है क्या, तो हमारे शरीर जो है उसमें एक फ्लूइड होता है, फ्लूइड इन द सेंस की तरल पदार्थ यानी ब्लड। और उस ब्लड में हमारी बॉडी के सारी चीज़ें, चाहे वो पोषक तत्व हो, चाहे वो गैसियस चीज़ हो, चाहे हम दिन भर में जो भी खाना खा रहे हैं या जो भी गंदे पदार्थ एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट्स हो, सारे के सारे चीज़ें आपके ब्लड में इन्वॉल्व होती हैं। कहा जाता है कि उस ब्लड में जब शुगर की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, शुगर की मात्रा इन दी सेंस कि ग्लूकोज की मात्रा, यानी आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी मैंने यहाँ बताया हुआ है, मैंशन किया है कि एक डिजीज़ का ऐसा ग्रुप, रोगों का एक ऐसा समूह जो हमें बताता है कि हमारे शरीर के खून में ग्लूकोज की मात्रा या शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा हो गई है एक नॉर्मल वैल्यू से। बात समझ में आ रही है? तो शुगर का मतलब हमने क्या समझा, डायबिटीज़ का मतलब क्या समझा, कि जिनको भी डायबिटीज़ से संबंधित बीमारी है उनके खून में ग्लूकोज या शुगर की मात्रा जो है एक नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा हो गई है। ठीक है, नाउ इसके अलावा भी हम डायबिटीज़ पे बात करें तो डायबिटीज़ एक ऐसा रोग है जहाँ पे आपके ब्लड का शुगर लेवल क्या हो गया, नॉर्मल से ज़्यादा हो गया। नॉर्मल होना ठीक है, लेकिन जहाँ भी कोई चीज़ हद से ज़्यादा हो जाए उसकी साइड इफ़ेक्ट्स नज़र आ जाते हैं, वैसा ही कुछ डायबिटीज़ के केस में भी देखने को मिल जाता है। सो ज़्यादातर ऐसा क्यों होता है, हमारे खान पान पे, हमारे एनवायरनमेंट पे, टेंशन पे, डेली लाइफ रूटीन पे, ये सारी चीज़ें डिपेंड होती है, जेनेटिकल होती है। तो मोस्ट ऑफ़ दी फूड्स जो कि हमारे बॉडी में ग्लूकोज क्रिएट कर सकते हैं, ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा सकता है, वो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। ठीक है, और ये भी सही बात है कि ग्लूकोज आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट भी रखता है, क्योंकि ग्लूकोज ही आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है, ऊर्जा देता है, और एनर्जी हमको क्यों चाहिए, काम करने के लिए चाहिए। सो बेसिकली ये जो ग्लूकोज होता है इसको एक हॉर्मोन्स जो है वो कंट्रोल करती है, और उसको कंट्रोल करने वाला जो हॉर्मोन्स होता है उसका नाम होता है इंसुलिन। अब ये जो इंसुलिन हॉर्मोन्स है, ये इंसुलिन हॉर्मोन्स हमारी बॉडी में एक इंडोक्राइन ग्लैंड जिसका नाम होता है पेनक्रियाज, वो बनाने का काम करती है। पेनक्रियाज जिसको हिंदी में अग्नाशय कहते हैं, और ये जो पर्टिकुलर इंडोक्राइन ग्लैंड अंतःस्रावी ग्रंथि होती है जो हमारी बॉडी में पाई जाती है, ये इस हॉर्मोन्स को बनाती है। हॉर्मोन्स क्या, हॉर्मोन्स का नाम है इंसुलिन। और इंसुलिन क्या करती है, इंसुलिन हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज होती है उसको बैलेंस करने का काम करती है। ठीक है, लेकिन जब हमको डायबिटीज़ होता है या जब आपको डायबिटीज़ होता है तो आपकी बॉडी में जो ये इंसुलिन होता है वो नहीं बन पाता ठीक से, और किसी कारण की वजह से इंसुलिन जब आपकी बॉडी में नहीं बन पाता तो इंसुलिन आपके बॉडी के ब्लड में जो ग्लूकोज है उसकी मात्रा को ठीक नहीं कर पाता, उसके अमाउंट को बैलेंस नहीं कर पाता, और धीरे धीरे आपको शुगर की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा शुगर
कि डायबिटीज़ क्या होता है, एक सरल भाषा में, एक विज्ञान की भाषा में। अब अगर हम सिम्टम्स की बात करें कि अगर आपको डायबिटीज़ है, अगर आपको शुगर से रिलेटेड बीमारी है, या आपको लग रहा है कि मुझे शुगर तो नहीं हो गया, तो कौन कौन से सिम्टम से आप जो है ये इंडिकेट या पहचान सकते हैं कि आपको शुगर है। जैसे कुछ मेन सिम्टम्स होते हैं, कुछ 3-4 मेन जो है लक्षण होते हैं डायबिटीज़ को पहचानने के लिए, लेकिन मैं आपको सारे लक्षणों के बारे में बताऊंगी आज के सेशन में। जैसे सबसे पहला जो आप देख सकते हैं सिम्टम्स, वो है पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी है। इसमें क्या होता है, जो यूरिन होता है, यूरिन इन द सेंस की पेशाब, पेशेंट को पेशाब आने की बार बार प्रॉब्लम होती है, मतलब कि आपको यूरिनेशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बार बार, स्पेशली रात में। रात में आपको लगातार या कह सकते हो बार बार यूरिन आने की संभावना बन सकती है, या यूरिन जो है आपको बार बार, दिन में भी कई बार पेशाब लग सकता है, लेकिन ये कंडीशन रात में डायबिटीज़ के पेशेंट्स के साथ ज़्यादा होता है, जिसे हम पॉलीयूरिया कहते हैं। ये एक पहला सिम्टम है। दूसरा सिम्टम आप देख सकते हैं, इसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं पॉलीडिप्सिया। जनरल भाषा में, आम भाषा में हम कहते हैं प्यास लगना। तो डायबिटीज़ के पेशेंट्स में प्यास जो है, ज़्यादा पानी जो है पीने की जो त्रस्ट हम कह सकते हैं, प्यास जो होती है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि इनमें क्या हो जाता है कि बॉडी डिहाइड्रेट हो जाता है। ऐसे पेशेंट में बॉडी डिहाइड्रेट हो जाता है, जिसकी वजह से ऐसे पेशेंट्स के लिप्स जो हैं बार बार सूखते हैं और आपको बार बार प्यास लगती है, और मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बार बार प्यास लगने को पॉलीडिप्सिया कहते हैं। ये एक दूसरा सिम्टम्स हो गया डायबिटीज़ का, जिसमें आप ये समझ सकते हैं कि अगर ये सारे सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं तो आप ये सोच सकते हैं कि कहीं मुझे डायबिटीज़ तो नहीं हो गया है। लेकिन मैं आपसे यही कहूँगी कि अगर आपको ऐसा लग रहा है या ऐसे सारे लक्षण आपकी बॉडी में दिख रहे हैं, तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें एक बार। नाउ नेक्स्ट है पॉलीफैगिया। पॉलीफैगिया में क्या होता है, पॉलीफैगिया को हम जनरल भाषा में कहते हैं बार बार भूख का लगना। तो डायबिटिक पेशेंट में ये भी एक सिम्टम होती है कि उनको मीठा खाने की चाह बहुत होती है, स्पेशली खाने में। तो आप बहुत ज़्यादा मीठा खाना अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, या आपको बहुत मन कर रहा है, तो ये भी एक सिम्टम से मीठा तो सबको अच्छा लगता है, ऐसा कोई वो नहीं है, लेकिन डायबिटिक के पेशेंट्स में एक्सेस होता है ये चीज़। तो जहाँ ये सिम्टम्स भी आपको, ये सारे सिम्टम्स के साथ ये सिम्टम्स भी नज़र आ रहे हैं, तो ये भी इंडिकेट करता है डायबिटीज़ की तरफ। नाउ नेक्स्ट आप सिम्टम्स देख सकते हैं वेट लॉस। डायबिटीज़ के पेशेंट में ये भी एक सिम्टम्स होता है कि खाना खाने के बावजूद भी, ऐसा भी नहीं है कि खाना नहीं खा रहे, दिन अपने डाइट को पूरा लेने के बावजूद भी आपको भूख लग रही है, और भूख लगने के बाद, खाना खाने के बाद भी आपका वेट नहीं बढ़ पा रहा है, आपका वज़न नहीं बढ़ पा रहा है, तो वेट लॉस हो रहा है, तो ये भी एक सिम्टम्स है डायबिटीज़ का। इसके अलावा वीकनेस, हमेशा बॉडी थकी थकी सी महसूस होगी आपको, बहुत ज़्यादा हेडेक की इशू होगी, रह रह के हेडेक होगा आपको, सिर में दर्द की प्रॉब्लम होगी। इसके अलावा फीमेल्स में आप देखेंगे कि फीमेल का जो यूरिनरी ट्रैक वाला रास्ता है, जिसे हम यूटीआई कहते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस, ठीक है, वहाँ पे पेशाब के रास्ते में जो है जलन महसूस हो सकती है, इचिंग हो सकती है, वल्वोवेगाइनाइटिस हो सकता है फीमेल को, ठीक है। तो ये सिम्टम्स भी फीमेल में देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ और भी बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट्स में जो है लंबे समय से नंबनेस की इशू हो जाती है किसी बॉडी पार्ट में, आपको समझ में नहीं आता कि वहाँ पे कोई मतलब कोई फंक्शंस आपको समझ में नहीं आता बॉडी पार्ट का, या बर्निंग सेंसेशन, पैर के नीचे आपको बहुत जलन महसूस होती है, ठीक है। इसके अलावा स्किन ड्राई हो जाती है, और यस एक और भी सिम्टम्स है, घाव, अगर बॉडी के किसी पार्ट में आपको घाव हो गई, चोट हो गई, तो वो घाव भरने में भी बहुत टाइम लग जाता है डायबिटीज़ के पेशेंट्स में। ये भी एक अच्छा सिम्टम है कि अगर घाव आपके जल्दी नहीं भर रहे हैं, तो वो भी डायबिटीज़ के लक्षण को डिनोट करता है। इसके अलावा डायबिटीज़ के पेशेंट्स में हाई बीपी की जो इशू होती है वो हमेशा बनी रहती है। तो ब्लड प्रेशर से रिलेटेड इशू, जो खास करके हाई बीपी की इशू, डायबिटीज़ पेशेंट के एक सिम्टम्स में आती है, ठीक है।
नाउ एक और सिम्टम्स आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, दैट इज़ रेटिनोपैथी, जिसको हम डायबिटिक रेटिनोपैथी कह सकते हैं। डायबिटीज़ की वजह से पेशेंट की आँखों में भी बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। आँखों में उनके जो रेटिना वाला पार्ट होती है वो डैमेज हो जाती है, जिसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में रेटिनोपैथी कहते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट सिम्टम्स, आँखों में विजन्स, आपको धुंधलापन दिखाई देगा, तो ये सारी इश्यूज़ आपको नज़र आएंगी। इसके अलावा डायबिटीज़ में आपको एक बहुत बड़ी बीमारी और भी मिल जाती है, वो है किडनी से रिलेटेड बीमारी। डायबिटीज़ के पेशेंट में रीनल फेलर की जो है वो बहुत कॉमन इश्यू होती है, कि अगर आप लंबे समय तक डायबिटीज़ से जूझ रहे हैं या डायबिटीज़ की बीमारी से लड़ रहे हैं, तो आपकी किडनी फेल की चांसेस बहुत बन जाते हैं, रीनल फेलर चांसेस बहुत बन जाते हैं। इसके अलावा डायबिटीज़ मेलाइटिस में हमने बेसिकली क्या जाना कि डायबिटीज़ क्या है, एक हाइपरग्लाइसीमिया डिजीज़ है, जिसमें आपके ब्लड में यानी आपकी बॉडी के ब्लड में ग्लूकोज की जो वैल्यू होती है वो नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा हो जाती है। और इसके पीछे जो मेन कारण है वो है आपकी बॉडी में बनने वाला एक हार्मोन जिसका नाम है इंसुलिन। और ये इंसुलिन पेनक्रियाज बनाता है, जो कि इंडोक्राइन ग्लैंड्स है, और ये हमारा इंसुलिन हमारी बॉडी के ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करता है। राइट, अभी हम ये जानेंगे कि जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं, अगर आपको ये चेक करना है कि आप डायबिटिक हो या नहीं हो, तो उसके लिए कुछ वैल्यूज़ होता है। ठीक है, जो हम पर्टिकुलर जो डायबिटिक मेलाइटिस, हम डायबिटीज़ को डायबिटिस मेलाइटिस के नाम से जानते हैं, ऐसे कंडीशंस जहाँ पे एक ब्लड में जो नॉर्मल वैल्यू है शुगर का उससे ज़्यादा हो गया। तो नाउ अब हम कैसे पता करेंगे कि सामने वाले पर्सन को या हमें शुगर की प्रॉब्लम है या नहीं है, उसके लिए दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है FBS, फास्टिंग ब्लड सैम्पलिंग, और एक होता है RBS, रैंडम ब्लड शुगर, फास्टिंग ब्लड शुगर एंड रैंडम ब्लड शुगर, ये दो तरीके होते हैं। ओके, सो फास्टिंग ब्लड शुगर जो होता है ये मॉर्निंग में आप फ्रेश मॉर्निंग ब्लड सैंपल को लेके बिना कुछ खाए आप ये अगर टेस्ट करा रहे हो, फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट करा रहे हो, तो इसकी एक वैल्यू होती है जो कि स्टैंडर्ड वैल्यू होती है। उस वैल्यू के अकॉर्डिंग अगर आपका नॉर्मल वैल्यू आ रहा है, उस रिपोर्ट नॉर्मल आ रही है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और रैंडम ब्लड शुगर में क्या होता है कि जस्ट आप खाना खाने के 2 घंटे बाद आप क्या करते हो, ब्लड टेस्ट कराते हो, ये टेस्ट RBS का टेस्ट कराते हो, जो कि ये भी एक स्टैंडर्ड वैल्यू को शो करता है। और यहाँ पे क्या हो जाता है कि ये वैल्यू भी आपको डिनोट करती है कि आप शुगर के पेशेंट हो या नहीं हो, यानी आपको डायबिटीज़ है या नहीं है। तो आपको अपनी स्क्रीन पे जो चार्ट दिखाई दे रहा है ये एक वैल्यू है फास्टिंग का भी और रैंडम ब्लड शुगर का भी। रैंडम ब्लड शुगर खाने के 2 घंटे बाद करते हैं और फास्टिंग हमेशा बिना खाए करते हैं। तो ब्लड शुगर में अगर हम फास्टिंग की बात करें तो फास्टिंग का जो नॉर्मल वैल्यू होता है आप देख सकते हैं, जो नॉर्मल वैल्यू होता है, एक सेकेंड, ये नॉर्मल वैल्यू है फास्टिंग की, और ये इस नॉर्मल वैल्यू में 70 to 100 mg/dL, mg/dL ये इसका यूनिट है, ये एक नॉर्मल वैल्यू है फास्टिंग की। अगर इसमें आपका इतना वैल्यू अगर आ रहा है तो आप जो है शुगर के पेशेंट नहीं हो, आपका शुगर का लेवल बॉडी में सही है। और अगर आप नॉर्मल में RBS की बात करो तो 70 to 140 mg/dL होना चाहिए। ओके, प्री डायबिटिक मतलब अगर आपको डायबिटिक की स्टार्टिंग स्टेज में ऐसा कुछ लग है, तो उस कंडीशन में जो वैल्यू आपका शो होगा फास्टिंग में वो आएगा 101 to 125 mg/dL, और पोस्ट जो है वो 141 से 200 के बीच में आएगा। और अगर आप डायबिटिक के पेशेंट हो, आपको डायबिटीज़ है और फास्टिंग आपका 120 mg/dL या इससे ज़्यादा भाग रहा है, तो आप डायबिटिक के पेशेंट में आ रहे हो, डायबिटिक के केस में आ रहे हो, मतलब आपको डायबिटीज़ है, आपके बॉडी के ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ रहा है। और RBS भी अगर आप करा रहे हो और RBS भी 200 या 200 से ज़्यादा आ रहा है mg/dL, तो आप डायबिटिक हो। तो ये वैल्यू से आप पता कर सकते हैं ब्लड टेस्ट की वैल्यू से कि आप डायबिटिक के पेशेंट है या नहीं। ओके, अब जनरली क्या होता है कि
ये जो रैंडम ब्लड शुगर है, 2 घंटे बाद अगर हम शुगर का लेवल चेक करते हैं तो उसकी वैल्यू हमारी क्या होनी चाहिए, 200 से कम होनी चाहिए, 141 टू 200 एम जी पर डी एल के बीच में होनी चाहिए, इससे इससे ऊपर या इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसमें क्या होता है कि अगर कोई पर्सन कम अमाउंट में ग्लूकोज अगर वो ले रहा है खाने के 2 घंटे बाद हम ले रहे हैं, तो हम उसे जो भी खाना दे रहे हैं या हॉस्पिटल में जो भी हम ओरली उसको ग्लूकोज प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे वो वेन के थ्रू प्रोवाइड कर रहे हैं या ऐसे वो घर पे खाने के थ्रू ले रहा है, तो वो हमारे ब्लड में पहले जाएगा, हमारी और हमारी बॉडी में प्रेजेंट इंसुलिन क्या करेगी, उसको यूटिलाइज करेगी, ठीक है, यूटिलाइज करेगी। यूटिलाइज करने के बाद वो देखेगी कि कितना अमाउंट ऑफ ग्लूकोज या कितना अमाउंट ऑफ शुगर आपकी बॉडी में है, यूटिलाइज कितना हो गया, कितना रिमेन बच गया। तो रिमेन बचने के बाद में भी अगर शुगर का वैल्यू 200 से ज़्यादा भाग रहा है, मतलब आप डायबिटिक हैं। सो ये एक तरीके से ब्लड टेस्ट, क्लिनिकल टेस्ट के फॉर्म में भी आप पता कर सकते हैं कि आपको ग्लूकोज की प्रॉब्लम है कि नहीं है। ये आप, मैंने अभी जो आपको एक फास्टिंग आफ्टर ईटिंग एंड 2 टू 3 आवर आफ्टर ईटिंग का एक जो चार्ट बताया, नॉर्मल, इम्पेयर्ड और डायबिटिक, ओके, ये रेंज से आप पता कर सकते हैं कि आप डायबिटिक के केसेस में आ रहे हैं कि नहीं। ओके, नाउ अब हम बात करेंगे टाइप्स। अब डायबिटीज़ तो समझ लिया कि डायबिटीज़ क्या होता है और कौन कौन से डायबिटीज़ के सिम्टम्स आते हैं और हम किस तरीके से डायबिटीज़ को पकड़ सकते हैं कि डायबिटीज़ है या नहीं है हमें। नाउ अब हम बात करते हैं कि टाइप्स की, कि हम कौन से टाइप्स के डायबिटीज़ में आते हैं। तो जनरली 4 टाइप्स बताए जाते हैं डायबिटीज़ के, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4। अब हमें ये पता करना है कि इन 4 टाइप में से हम किस टाइप के डायबिटीज़ में आते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कि टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4 क्या है और हम किस डायबिटीज़ के पेशेंट, मतलब कंडीशंस में आते हैं, इससे हमें ये आज पता चलेगा। नाउ सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप 1। टाइप 1 को हम जनरली टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस भी कहते हैं और इसके अलावा हम इसको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस या जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज़ मेलाइटिस भी कहते हैं। इसके कई सारे नाम हैं, ओल्डेस्ट नेम है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस और अभी जो नया चल रहा है, न्यू नेम या अदर नेम कह सकते हो, वो है जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज़ मेलाइटिस। ओके, अभी क्या है कि नाम से पता चल रहा है कि इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस, मतलब जहां पर बॉडी इंसुलिन के लिए डिपेंड है, मतलब पूरी बॉडी हमारी इंसुलिन पर डिपेंड है और इंसुलिन को एक्सटर्नली जो है आप कह सकते हैं आप इंटेक कर रहे हैं, दैट मीन्स कि जरूर आपकी बॉडी डिपेंड है, यानी बॉडी के अंदर इंसुलिन बन नहीं रही है और जब बॉडी के अंदर इंसुलिन बन नहीं रही है तो आप एक्सटर्नली इंसुलिन ले रहे हो। तो जहाँ आप इंसुलिन पे डिपेंड हो और आपकी बॉडी इंसुलिन बना नहीं रही है, और इंसुलिन वो हॉर्मोन्स जो है, वो हॉर्मोन्स है जो आपकी बॉडी के ब्लड में शुगर लेवल को मेंटेन करता है, वो इंसुलिन आपकी बॉडी में बन ही नहीं रही है, तो डैट मीन्स कि शुगर का लेवल आपका कंट्रोल नहीं हो पा रहा है और आप एक्सटर्नली इंसुलिन को ले रहे हो अपनी बॉडी में। तो ऐसे कंडीशन में आपको देखने को मिलता है कि आप टाइप 1 की कैटेगरीज में आते हैं, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस की कंडीशंस में आते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे इमेज भी देख पा रहे हो, ये बंदा है। अब सम पीपल हैव अ टाइप 1 डायबिटीज, यहाँ पे बताया जा रहा है, दिस मीन्स देयर पेनक्रियास डज नॉट प्रोड्यूस, अब इंसुलिन ही नहीं है। अब इंसुलिन हॉर्मोन्स कौन बना रहा है, मैंने बोला कि इंडोक्राइन ग्लैंड्स बना रही है, अब ये पेनक्रियाज है इंडोक्राइन ग्लैंड्स जो बना रही है इंसुलिन को, अभी वो पेनक्रियाज ही नहीं है। तो कोई भी रीजन हो सकता है बॉडी में पेनक्रियाज का ना होना या पेनक्रियाज प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है जिससे इंसुलिन नहीं बन रहा है, और जब आपके पास इंसुलिन नहीं है तो आप इंसुलिन के लिए डिपेंडेंट हैं और आप एक्सटर्नली इंसुलिन को ले रहे हैं, ठीक है। तो रीजंस में हमारे पास ये भी हो सकता है, और पेनक्रियास में एक बीटा सेल्स होती है, पेनक्रियास कई सारे सेल से मिलके बनी होती है और ये बीटा सेल्स जो होती है वो पर्टिकुलर इंसुलिन को क्या करती है, बनाती है, और वही इंसुलिन जो हमारे बॉडी के ब्लड में शुगर लेवल को क्या करता है, मेंटेन करता है, बढ़ने से रोकता है। ओके, हमारे इन बीटा सेल्स अगर डैमेज हो गए, ये भी हो सकता है कि पेनक्रियाज में बीटा सेल्स डैमेज हो गया, बीटा सेल्स ही नहीं है तो इंसुलिन कौन बनाएगा पेनक्रियाज में, ये भी एक कंडीशन हो सकता है। तो उस कंडीशन में भी आप इंसुलिन के लिए डिपेंडेंट है, आपकी बॉडी इंसुलिन के लिए डिपेंडेंट है और आप एक्सटर्नली इंसुलिन को क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं। ओके, ये आप देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप भी यहाँ पे बताइए, स्टमक कन्वर्ट फूड टू ग्लूकोज, आप सबसे पहले खाना खाते हो, आपका स्टमक फूड को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहा है, फिर वो ग्लूकोज आपके ब्लड में इंटर कर रही है, यानी ग्लूकोज इंटर इनटू ब्लड स्ट्रीम,
वहाँ से जब ग्लूकोज सॉरी वहाँ से जब एक सेकेंड वहाँ से जब ग्लूकोज आपका एंटर कर रहा है ब्लड स्ट्रीम में, तो अभी क्या हो रहा है कि ये जो ग्लूकोज है अनेबल टू इंटर बॉडी इफेक्टिवली, एकदम इफेक्टिव तरीके से बॉडी में एंटर नहीं कर पा रहा है वो ग्लूकोज, ग्लूकोज लेवल बढ़ गया। अब जब ग्लूकोज आपकी बॉडी में काम नहीं हो रहा है तो ब्लड में वो पड़ा पड़ा क्या हो रहा है, उसकी अमाउंट बढ़ रही है, ठीक है, बढ़ रही है कि नहीं। तो सबसे पहले क्या हुआ कि आपने खाना खाया, आपके खाने को स्टमक ने ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया, अब ग्लूकोज आपके ब्लड में गया, ब्लड से आपका जो पेनक्रियाज है वो इंसुलिन बना ही नहीं पा रहा है या बहुत कम अमाउंट में बना रहा है। तो जब बहुत कम अमाउंट में इंसुलिन बना रहा है तो ब्लड में जो भी ग्लूकोज है उसको वो बैलेंस नहीं कर पा रहा है और आपका ग्लूकोज वहीं पर इंक्रीज हो रहा है, और जब इंक्रीज हो रहा है तो ग्लूकोज लेवल क्या हो जा रहा है आपकी बॉडी में बढ़ जा रहा है और आप डायबिटिक के कंडीशंस में चले जा रहे हैं। तो टाइप वन के केस में आपको ये देखने को मिल जाता है कि किस तरीके से पेनक्रियाज में होने वाले डिस्टर्बेंस से या इंसुलिन के ना बनने की वजह से या कम बनने की वजह से आपको ग्लूकोज की प्रॉब्लम सॉरी आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम होने लगती है। इसके अलावा मैंने बोला कि इसे जुवेनाइल यानी टाइप वन को जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज मेलाइटिस भी कहते हैं। जुवेनाइल मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एडल्ट स्टेज में, मतलब आप एडल्ट नहीं हुए हैं और एडल्ट हुए बिना ही आपको डायबिटिक हो गया, यानी खास करके बच्चों में आपको ये देखने को मिल जाता है कि एडल्ट मतलब आप एक एज को एडल्ट एज को आपने क्रॉस तक नहीं किया उसके पहले ही आप डायबिटीज़ के पेशेंट बन गए। ओके, कई कंडीशन हो सकते हैं, या तो बीटा सेल्स नहीं बन रहे, सेम कंडीशन इंसुलिन कम हो गया, इंसुलिन कम हो गया तो फिर आप एक्सटर्नली ले रहे हो इंसुलिन को। दूसरा कंडीशन कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की हो सकती है, कोई भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो सकता है जो कि एंटीबॉडी को डिस्ट्रॉय कर रहा है और बीटा सेल्स ऑफ आइसोलेट्स नहीं फॉर्म कर रही है, अगर मतलब इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं कर पा रही, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं सेकेंड टाइप की। सेकेंड टाइप डायबिटीज मेलाइटिस को हम कहते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस, ये इसका दूसरा नाम है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाता है सेकेंड टाइम में कि आपकी बॉडी में शुगर का जो लेवल है वो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इस हाई लेवल को कम करने के लिए आप एक्सटर्नल तरीके से कोई इंसुलिन नहीं ले रहे हो, मतलब आप डिपेंड नहीं हो। यहाँ पे क्या हो रहा है, उधर क्या था, टाइप वन में भी इंसुलिन बढ़ रहा था सॉरी शुगर लेवल बढ़ रहा था लेकिन आप डिपेंड थे, आप एक्सटर्नली इंसुलिन ले रहे थे, लेकिन ये उल्टा चल रहा है, नाम से चल रहा है ये भी कि आपके बॉडी में इंसुलिन का लेवल जो है वो क्या है, शुगर का लेवल जो है सॉरी आपका क्या है, बढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी आप एक्सटर्नली डिपेंडेंट नहीं हो इंसुलिन के लिए, ठीक है। जनरली हम टाइप सेकेंड को एक और नाम से भी जानते हैं, टाइप सेकेंड को हम मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज मेलाइटिस भी कहते हैं कि इसमें क्या होता है कि एक मैच्योर और एडल्ट एज में ही ये डायबिटीज आपको देखने को मिल जाता है। ये अब टाइप वन में क्या था कि बच्चों में हो जा रहा था, ठीक है, एडल्ट स्टेज के पहले ही डायबिटीज हो जा रहा था, लेकिन सेकेंड टाइप जो है वो क्या है, वो आपका एडल्ट स्टेज के बाद या एडल्ट स्टेज में आपको डायबिटीज देखने को मिलता है। तो ये सबसे भी आप समझ सकते हो कि आप किस टाइप के डायबिटीज में आते हो, ठीक है, वन में आते हो या टू में आते हो या थ्री में आते हो या फोर में आते हो। आई होप कि अब ये चारों टाइप्स मैं बता दूंगी तो आप खुद क्लियर हो जाओगे कि अगर आप डायबिटिक के पेशेंट हैं तो आप किस टाइप के डायबिटिक के पेशेंट में कंडीशंस में आते हैं। ओके, सो सेकेंड टाइप में डायबिटीज़ में क्या होता है कि आप डिपेंड नहीं हो, रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो इंसुलिन के लिए और शुगर लेवल आपका बढ़ा हुआ है बॉडी में। सिम्टम्स में क्या हो सकता है, ज़्यादातर तो देखने को मिलता है कि 90% जो पॉपुलेशन है, ठीक है ना, इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में, वो आपकी टाइप टू के कंडीशंस में ज़्यादा आती है, मतलब ज़्यादातर लोग डायबिटीज़ एडल्ट स्टेज में या एडल्ट स्टेज के बाद ही होता है, ठीक है, 1% ही देखने को मिल जाता है बच्चों में, और इंडिया में तो ये कंडीशंस बहुत रेयर ही है, ठीक है। इंडिया को हम डायबिटीज़ का कैपिटल कहते हैं क्योंकि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अगर डायबिटीज़ देखा जाता है तो वो इंडिया में देखा जाता है डायबिटीज़ के पेशेंट्स। सो इसमें सिम्टम्स में आपको क्या नज़र आ जाता है कि सबसे पहला तो होता है फैमिली हिस्ट्री, ठीक है, अगर आपके मम्मी पापा दादा दादी या भाई बहन में से किसी को भी डायबिटीज़ की बीमारी है या बीमारी थी तो भी आपको डायबिटीज़ हो सकता है। ओके, इसके अलावा फैमिली हिस्ट्री और जेनेटिक्स के अलावा हो सकता है बीटा सेल्स में आपकी कोई प्रॉब्लम्स हो, ठीक है, एकदम काम नहीं कर रही हो या एक तरीके से बीटा सेल्स जो है आपकी डिस्ट्रॉय हो चुकी है पेनक्रियाज के अंदर,
तो वो इंसुलिन फॉर्म नहीं कर पा रही है, और इंसुलिन जो बीटा सेल से सेक्रेट हो रही है वो बहुत कम हो रही है, उसकी अमाउंट्स ज़्यादा नहीं है, तो वो शुगर को मेंटेन नहीं कर पा रही है आपके ब्लड में, तो ये भी टाइप सेकेंड्स में आ सकता है। ओके, आप इस इमेज से भी देख सकते हैं, यहाँ पे ये पूरा आपका स्टमक है, ठीक है, ये किस तरीके से पेनक्रियाज, मैं यहाँ पे हाईलाइट भी करती हूँ, ये देखिए ये पेनक्रियाज है आपका, यहाँ पे ये बीटा सेल्स है, ठीक है, किस तरीके से ग्लूकोज जो है वो क्या पेनक्रियाज में प्रेजेंट्स बीटा सेल्स जो इंसुलिन बना रही है वो रेगुलेट कर रही है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में भी बता रहा है कि द स्टमक कन्वर्ट फूड इनटू ग्लूकोज, और फिर वो ग्लूकोज आपके ब्लड में चला गया, राइट, अब ब्लड में गया, ब्लड से अब वो पेनक्रियाज में गया, प्रेडी पेनक्रियाज ने इंसुलिन को प्रोड्यूस किया, ठीक है, और बट ज़्यादा इंसुलिन ना होने की वजह से वो उसने उसको ठीक तरीके से क्या किया, कह सकते हैं कि कंट्रोल नहीं कर पाया, या कह सकते हैं कि वो बॉडी सेल्स को दे नहीं पाया, देन अब वो लीवर क्या करेगी, इंसुलिन को रेजिस्ट करेगी एंड ग्लूकोज इज़ अनेबल टू इंटर दी सेल्स टू दी बॉडी। जब ग्लूकोज आपकी बॉडी तक पहुंच ही नहीं पा रही है, ब्लड स्ट्रीम में बढ़ती चली जाएगी, ऑब्वियसली अगर वो पहुंचेगी नहीं तो ब्लड में ही रह जाएगी, और धीरे धीरे आप सेकेंड टाइप्स के डायबिटीज़ की कंडीशंस में आ जाएंगे। ओके, ये आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, हाईलाइटेड है कि ऑल दो नॉट एवरी वन सफरिंग फ्रॉम टाइप टू डायबिटीज़, सबको टाइप टू नहीं होता, किसी को वन होता है, किसी को थ्री होता है, किसी को फोर होता है। टाइप टू डायबिटीज़ इज ओवरवेट, ओबिसिटी एंड लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, ठीक है ना, ऑल दो नॉट एवरी वन सफरिंग फ्रॉम टाइप टू इज ओवरवेट में है, ओबिसिटी है, या फिजिकल एक्टिविटी एकदम नल है, जीरो है, तो टू ऑफ दी मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ दी टाइप टू में आपको देखने को मिल जाता है कि और भी सारे कंडीशंस है, या ये भी कंडीशंस हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं टाइप थ्री। टाइप थ्री डायबिटीज मेलाइटस का जो मेन रीजन होता है वो होता है पेनक्रिएटोमी। अब पेनक्रिएटोमी क्या होता है कि इसमें ये एक सर्जिकल प्रोसेस होता है, ठीक है ना, इसमें इस सर्जिकल प्रोसेस के थ्रू अगर आपके पेनक्रियास को रिमूव कर दिया गया है तो आपकी बॉडी में किसी भी रीज़न से रिमूव हो किया जा सकता है, कोई भी रीज़न हो सकता है, हो सकता है वहाँ पे कैंसर हो गया, ट्यूमर हो गया, या हो सकता है कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो डिपेंड करता है क्या हो सकता है उस सिचुएशन में। तो अगर रिमूव कर दिया गया है तो आपकी बॉडी में किसी भी, मतलब क्या कह सकते हैं कि अगर पेनक्रियाज ही नहीं है तो बीटा सेल्स भी नहीं है, बीटा सेल्स नहीं है तो इंसुलिन कौन बनाएगा, और इंसुलिन नहीं है तो ब्लड में शुगर लेवल को, ग्लूकोज लेवल को कौन मेंटेन करेगा जो दिन भर में आप डाइट के थ्रू ले रहे हो, तो वो तो ब्लड में ही पड़ा रह जा रहा है, और वो क्या हो जा रहा है, अपने अमाउंट को बढ़ाता जा रहा है। तो इस तरीके से पेनक्रिएक्टोमी एक मेन रीज़न होता है टाइप थर्ड का, ठीक है, ये आप देख सकते हैं पेनक्रियाज कैसे रिमूव कर दिया गया है। तो सो इंसुलिन की कमी अगर हो रही है और ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया, क्योंकि जहाँ इंसुलिन कम होगा तो ब्लड में ग्लूकोज बढ़ेगा, ये हमेशा याद रखिए, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट काम कर रहे हैं, इंसुलिन कम है तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया, और ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया तो आप डायबिटिक की कंडीशंस में चले गए, ठीक है, जेनेटिकल भी हो सकता है, ठीक है। तो पेनक्रिएक्टोमी टाइप थर्ड को शो करता है। इसके अलावा कुछ ड्रग्स भी ऐसे होते हैं जो डायबिटीज कॉज करते हैं, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। नाउ टाइप फोर पे आते हैं। टाइप फोर डायबिटीज मेलाइटिस को हम गेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं। गेस्टेशनल डायबिटीज का मतलब कि ऐसा डायबिटीज जो किसी वुमेन को तब होता है, ये फीमेल को ज़्यादा होता है, वुमेन को स्पेशली प्रेग्नेंट फीमेल को ज़्यादा होता है जब वो प्रेगनेंसी के कंडीशंस में होती है। ज़्यादातर ये डायबिटीज की कंडीशन प्रेगनेंसी के 20 to 24 वीक्स में देखने को मिल जाती है, ठीक है। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि फीमेल में प्लासेंटा हॉर्मोन्स होता है, प्रेगनेंसी हॉर्मोन्स प्लासेंटा हॉर्मोन्स होता है, प्लासेंटा जो मदर को फीटस से कनेक्ट करती है, ठीक है, माँ जो भी ली चीज़ें लेती है बच्चे तक पहुंचता है वो सारी चीज़ें, चाहे वो एक्सक्रिएटरी चीज़ें हो, चाहे वो गैसियस एक्सचेंज हो, चाहे वो खाना हो, और इवन बच्चे की बॉडी में भी जो भी एक्सक्रिएट है वो मदर की बॉडी तक उसके थ्रू ही आता है, वो एक कनेक्टिंग लिंक होता है जो माँ को बच्चे से जोड़ती है, फीटस से कनेक्ट करती है। सो ये प्लासेंटा हॉर्मोन्स वहाँ पे जो है रिलीज होता है, जो कि ये सारी चीज़ों को मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल में और प्रेगनेंसी को मेंटेन करती है। तो प्लासेंटल हॉर्मोन्स जो है ऐसे कंडीशंस कॉज करते हैं उस टाइम, जिससे इंसुलिन को रेजिस्टेंस
वो कर सके, रेजिस्ट कर सके। तो जनरली इंसुलिन प्रॉपर साइट्स में जाकर बाइंड नहीं हो पाएगा उस कंडीशन में, और ग्लूकोज का लेवल धीरे धीरे ब्लड में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और पेशेंट जो होती है वो डायबिटिक के कंडीशंस में चली जाती है। तो गैस्टेशनल डायबिटिस, गैस्टेशनली मतलब 9 महीने का गैस्ट्रिक पीरियड, जिसे हम कहते हैं ना गैस हो गया, तो वो गैस्टेशनल डायबिटीज होता है, जो कि प्रेग्नेंट फीमेल में देखने को मिल जाता है। आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, यहाँ पे फीमेल जो मदर है, प्रेग्नेंट मदर है, उसके बॉडी में ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया, और बेबी को भी क्या हो सकता है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज मिल सकता है, उसको भी डायबिटिक कंडीशंस कॉज कर सकता है, ठीक है। और जिसकी वजह से बेबी का पुट जो वेट है वो पुट ऑन हो सकता है, ज़्यादा वेट बढ़ सकता है, क्योंकि जो माँ का ग्लूकोज लेवल बढ़ गया माँ के ब्लड में, वो प्लासेंटा के थ्रू बेबी में पहुँच जाएगा। ओके, सो गैस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस, जिसको हम शॉर्टकट में GDM कहते हैं, एक ऐसी कंडीशंस वुमेन्स में होती है जो उसको पहले कभी नहीं थी, डायबिटिक का कोई हिस्ट्री नहीं था, लेकिन प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में जो है ये डायग्नोस हो पाता है, हाई ब्लड शुगर लेवल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। बात समझ में आ रही है? ओके, सो यहाँ पे भी कुछ पॉइंट्स आप देख सकते हैं। इट इन्वॉल्व कॉम्बिनेशन ऑफ इनएडुकेट इंसुलिन सेक्रेशन, बॉडी में इनएडुकेट तरीके से इंसुलिन सेक्रेट होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इट इम्प्रूव डिसअपियर आफ्टर डिलीवरी, ओके, एंड इंडिविजुअल्स एट हायर रिस्क फॉर गैस्टेशनल डायबिटीज, लाइक वेट बढ़ सकता है फीमेल का, ठीक है, दोज विच प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ ग्लूकोज इनटॉलरेंस, अगर ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है आपको, फैमिली हिस्ट्री में भी अगर फीमेल के है तो भी हो सकता है। इसके अलावा गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ की भी कोई हिस्ट्री है पहले, अगर प्रेगनेंसी में ऐसा कुछ हुआ देखने को मिला, तो ये सारे कंडीशंस भी जो है वो इंडिकेट करता है कि डायबिटीज़ के प्रॉब्लम आ सकता है। ओके, तो बेसिकली क्या हो जाता है कि ऐसे कंडीशंस देखने को मिल जाते हैं डायबिटीज़ के पेशेंट्स में। तो मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आपको मेरे चैनल और मेरे जो आज का सेशंस है उससे आपको अगर कुछ भी नॉलेज मिल रहा है, अगर आप जान रहे हो कोई भी चीज़ जान पा रहे हो, या आप में आपके फैमिली में किसी को भी डायबिटीज़ है और आप ये सारी चीज़ें उनको समझाना चाहते हो, या आप खुद जानना चाहते हो पहले, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। इस तरह की वीडियोस में हमेशा मैं जो है लाती रहती हूँ आपके लिए। तो बेसिकली हमने आज के सेशंस में डायबिटीज़ के बारे में जाना, सिम्टम्स के बारे में जाना, और साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं डायबिटीज़ मेलाइटिस जैसे डिजीज़ के, शुगर की डिजीज़ या शक्कर की बीमारी आप कह सकते हो उसको। इसमें मैं एक चीज़ और भी बताना चाहूँगी कि कुछ सिम्टम्स में, कुछ कॉम्प्लिकेशंस में आप देखते हो कि गैंग्रीन ऑफ लिम्ब्स की भी इश्यूज होती हैं। गैंग्रीन ऑफ लिम्ब्स जो होती है उसमें क्या हो जाता है कि पेशेंट की बॉडी में किसी भी पार्ट में अगर ब्लड की सप्लाई नहीं होती है तो उसे हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में गैंग्रीन ऑफ लिम्ब्स कहते हैं। तो डायबिटिक के पेशेंट में ये कॉमन डिजीज़ होती है, उससे इसके थाई नी पार्ट्स में जो है वो ज़्यादातर देखने को मिल जाता है कि वहाँ के टिश्यूज़ में ब्लड सप्लाई नहीं पहुँच पाती है, वहाँ की कैपिलरीज की वॉल मोटी हो जाती है, ग्लाइकोसाइलेट प्रोडक्ट मतलब वहाँ पे ग्लूकोज डिपॉजिट होने लगता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रॉपरली तरीके से जो है सर्कुलेट नहीं हो पाता। तो ये भी एक कॉम्प्लिकेशन है, सिम्टम्स आप कह सकते हैं गैंग्रीन ऑफ लिम्ब्स का, जो कि डायबिटिक के पेशेंट्स में कॉमन देखने को मिल जाता है। तो आज का सेशन मैं यहीं पे फिनिश करती हूँ। आई होप कि आपको जो है आज का सेशन समझ में आया हो, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, और चीज़ें जानने से ही जो है समझ में आती है। तो और हमें आज के टाइम पे सब कुछ जानना चाहिए, ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत जानना चाहिए, और मेरी यही हमेशा कोशिश रहती है कि आपको मैं अपनी भाषा में, आपकी भाषा में, सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूँ। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।